धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। पहले ब्रेक मारो और उसके बाद से पार्किंग ब्रेक तो रिलीज करो। पार्किंग वेलकम बैक टू द चैनल। ओके आए शीशा नीचे करो ना। देखो ये वाला शीशा कैसा लग रहा है ये तो बताओ। बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्साइटेड हो? नीचे क्यों है? ऑब्वियसली एक्साइटेड हूं भाई। नर्वस हो? पेट में गोला पड़ चुका है। नर्वसनेस। इसको ऊपर करो ऋषि। ट्राई करो। नेल पेंट लगाओ ना। हां नेल पेंट लगाओ ना। सुपर। बस इतना ही होगा। ओहो चला तो दिया है, हैंड ब्रेक नहीं हटाया। क्या क्या बात है? पहले देखो कि क्या मार्क आ रहा है, क्या आ रहा है। इसको नीचे ही रखो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा तुम्हारी कार में। शुड आई चेंज द चप्पल? आगे धक्का देना। चप्पल में चलाना है। ये क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है? पढ़ो वहाँ पे क्या लिखा है। पार्किंग। ओके सुष्मिता तेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। पहले ब्रेक मारो और उसके बाद से पार्किंग ब्रेक तो रिलीज करो। ये हैंड ब्रेक? हाँ। ओके ओके तुम्हारी गाड़ी का मुझे पता नहीं चल रहा। धीरे धीरे निकालो। मुझे लग रहा शूज पहनने पड़ेगा। पहनो फिर। बीच में ही गाड़ी रुका हुआ है, कोई भी आएगा इसी से हटना है। एक्साइटमेंट में नहीं चलाना है, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करके चलाओ। कुछ बताओ कैसा फील कर रही हो? बहुत नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे। अरे एक्साइटेड हो तुम? चलो चलाओ चलाओ चलाओ। क्या हो गया? चलाओ। हेड में पुलिस की गाड़ी थी। तो कैसा लग रहा है तुमको? अभी अभी पुलिस की गाड़ी गई है, मेरा गला सूख चुका है। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ये हालत हो गई है अभी मेरी। बाप रे, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग लाइक दिस। आई मीन लाइसेंस मिलने के बाद। चलाओ सही चला रही हूं। ओह गॉड, पेट में तो गोला बना हुआ है ना, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। सही तो चला रही हूं। थोड़ा गाना बजा दो ना यार। ऋषि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हां मेरे को बोलती हो तुम? कब से चला रहे हो और मुझे अब बोल रहे हो? प्लीज जस्ट डोंट। जैसे तुमको तो ये रोड पता है कि तुमको कब मुड़ना है क्या करना है। मुड़ने का पता, लेकिन पहली बार मुड़ने का नहीं पता। वो भी हो जाएगा। बूम भूर बुआ सोह चल रहा है मेरे मन में। हट। ऐसे क्यों फेंका? हेलो मैन, ड्राइव कर रही हूँ मैं। चलो मुझे बस बताना कि किधर से। तुमको सब पता है। प्लीज ऋषि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों दिन में नहीं दिख रहा है तुमको? अरे धूप सामने पड़ रही है भाई। चश्मा पहन लो, सनग्लास। और इसकी लेन में चला रही हूँ मैं, ये नहीं पता मुझको। अपनी लेन में इतनी अच्छी चला रही हो, क्या हो गया? सब सही चल रहा है। चलो नर्वस। कुछ नहीं हो रहा है। चलो बस वो माइंड में है तुम्हारे नर्वस। इतना बढ़िया तो चला रही है, एक्साइटेड है और नर्वस भी है। यहाँ से आगे से? अरे रोज जाती हो ना यहाँ से। रोज उस साइड बैठ। 3 साल हो गया सेम रोड से जाते हुए, पूछ रही है कि कहाँ से जाऊँ। चला चलाओ, बढ़िया चला रही हो। अच्छा आज कहाँ जा रही हो ये तो बताओ। स्कूल जा रही हूँ क्योंकि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। अच्छा और सैटरडे था तो मैंने सोचा कि थोड़ा हाईवे खाली होगा। शी इज गोइंग टू ड्राइव ऑन सिक्स जायद रोड फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत खाली है आज। नॉर्मली यहाँ पे बहुत भीड़ होती है क्योंकि वीकेंड है ये, तो खाली है। लेफ्ट में चेक करो। मुझे इसी दिन का इंतजार था, बिकॉज होता क्या था कि ड्राइव भी करता था, व्लॉग भी शूट करता था, बात भी करता था, तो काफी कुछ हो जाता था मेरे लिए। कई बार मैं देखा भी नहीं कि यार राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है। अभी क्या चालक है हमारे पास, मैं आराम से इधर उधर पूरा देख सकता हूँ। और बताओ। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। अरे डिस्टर्ब कहाँ कर रहा हूँ? आई नीड अ न्यू कार प्लीज। अरे तुम इंडिपेंडेंट हो, ले लो कुछ से। आई कैन, आई विल बाय फॉर मायसेल्फ। राइट में खाली है क्या? हाँ वो भाई मैं को नहीं पता कुछ भी, तुमको सब पता है। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा जर्नी कैसा रहा, कितना टाइम लगा तुमको लाइसेंस लेने में, कुछ तो स्टोरी बताओ। कार चलाने की फर्स्ट मेरी क्लास 27th अक्टूबर की थी। अच्छा। एंड बहुत ही अमेजिंग और टायरिंग बहुत रहा क्योंकि मैं स्कूल के बाद 2:30 मेरे को भागना होता था अपनी बस लेने के लिए जो मुझे मेरे इंस्टीट्यूट लेकर जाती थी, और
वो जर्नी जून तक चली। 2 महीना मैंने क्लास नहीं ली, 2-2.5 महीना, क्योंकि हम लोग ट्रिप पर चले जाते थे और कार चलाने में कभी कभी बहुत डर लगता है। जो फर्स्ट क्लास थी तो मैंने पहले भी एक्सपीरियंस शेयर की है कि ट्रक को जाने दो। चलो, क्या एक्सपीरियंस? जो फर्स्ट मेरी क्लास थी तो ड्राइवर इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि एक्सेलरेटर और ब्रेक करके दिखाओ, तो मैंने दोनों पैर रखे थे एक्सेलरेटर और ब्रेक पे। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे पता चला कि एक ही पैर यूज होगा। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा था? कार आ रही है। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस पता नहीं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि हर कोई बोलता था ड्राइविंग मेरी अच्छी है, बट थोड़ा हाईवे पे आने से घबराती थी, क्योंकि उस पे स्पीड चाहिए, यू नो, 120-110, और उस पे लेन चेंज करना सब कुछ, सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। न्यू थिंग ओवर हियर, इंडिया में तो अलग ड्राइविंग होती है, यहाँ पर बहुत ही अलग है। इंडिया मैंने ड्राइव नहीं किया, जो कि अच्छी बात है, जो मेरे को यहाँ पे सीखने को मिला। तुम यहाँ के हिसाब से नई थी फिर? बिल्कुल एकदम नई थी, और जो इंडिया में सिखाया था 15 दिन में मैं कुछ नहीं सीखी थी। यहाँ पे मुझे 8-9 महीने पूरे लग गए सीखने में। एंड ढंग से सीखा तुमने? बिल्कुल ढंग से सीखा। अच्छा, कई बार लोग पूछते हैं ना कि यार कैसा रहा, और कई बार लोग है ना फेल की वजह से डर जाते हैं, तो उसके एक्सपीरियंस बताओ। कि सबसे बुरा एक्सपीरियंस मेरा गैराज पार्किंग में रहे, जिसमें मैं 6 बार फेल हुई थी। आई डोंट नो कि मैं वो ट्रिक नहीं समझी थी या चीज ड्राइविंग का मैं कुछ चीज समझ नहीं पाई थी, जिसकी वजह से मैं बार बार फेल हो रही थी। बट जब लास्ट बार जब गैराज पार्किंग में पता चला कि हाँ मैं पास हो गई हूँ, सो इट वॉज सच अ रिलीफ। और रोड टेस्ट में मैं सेकेंड टाइम अटेम्प्ट में पास हो गई, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते कि मे बी उनका कुछ और ही रीजन होता होगा। तुम बताओ एज अ पैसेंजर मेरी गाड़ी कैसी चल रही है? सही चल रही है, क्योंकि देखो गाड़ी अभी रोड पे ज्यादा लोग नहीं है, तो चैलेंजेस तब आएंगे तुम्हारे पास जब लोग होंगे, गाड़ी मैन्यूवर कैसे करना है, कब राइट लेना है, कब लेफ्ट लेना है। जब स्ट्रेट जाना होता है तो आपका लेन हमेशा लेफ्ट में रहता है। नहीं, कौन सी ड्राइविंग सीखी? ये तुम्हारा राइट साइड मुड़ने के लिए था, ये राइट कहाँ मुड़ी है? राइट में रखोगी ना तो एक्सट्रीम राइट में रखोगी तो राइट घूमना पड़ेगा तुम्हें। कीप पॉइंट, नाउ आई एम ऑन द सिग्नल, रेड लाइट ग्रीन लाइट, बस जा रही है साइड से। और थोड़ा पहले रुकना। अभी कहाँ रुका था तुमने? पेडेस्ट्रियन पे। क्यों रुकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे इसलिए रुकते हैं क्योंकि पेडेस्ट्रियंस को रास्ता देना होता है। इंडिया में नहीं रुकते, इंडिया में तो सब एवेंजर्स बन जाते हैं, हाथ से रुक लेते, बट यहाँ पे इट्स इन द लॉ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द पेडेस्ट्रियंस बिकॉज दे आर वॉकिंग। सो ऑलमोस्ट हम लोग स्कूल के पास पहुँचने वाले हैं। आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, वहाँ पे जाकर के रुको। ये वाला? हाँ, यहाँ पे रुको, अब घुसा देना। ये देखिए बस कहाँ से घुस रही है। वाह, कभी भी राइट और लेफ्ट अगर तुम चेंज कर रही हो ना, जस्ट गिव अ पॉज, यहाँ देखो, रुको, यही रुक दो, नहीं पूरा घुमा करके वहाँ तक लगाओ, बहुत स्लो, बहुत स्लो। अच्छा, इतना स्लो? हाँ, ये क्योंकि हाँ, और स्लो, ये आगे वाले से ले लो, यहाँ से लो, पूरा एकदम से नहीं घुमाओ, चढ़ जाएगी इसके ऊपर। अच्छा, सुष्मिता चढ़ जाएगी, और घुमाओ। नहीं, इतना नहीं घुमाओ, देखो तुम ध्यान से देखो, मुझे गाड़ी आ रही, इतना नहीं सुष्मिता, लगा दो कोई बात। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया ड्राइव करके। चलिए हम चले अब ऑफिस। 12 आवर्स लेटर। अरे बाप रे भाई साहब, बहुत ज्यादा बिजी। सुष्मिता के भी स्कूल में वो पेरेंट टीचर मीटिंग थी, एंड यार नॉर्मली ओवर टाइम जो होता है ना वो टायरिंग होता ही है, लेकिन आज तो भाई साहब 2 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, तो यार ये 2 घंटा तो भारी पड़ गया मेरे ऊपर, सर में इतना दर्द हो रहा है क्या बताऊँ। एनीवेज सुष्मिता को पिक करूंगा रास्ते से ही और जाऊंगा अपने दोस्त के यहाँ, क्योंकि उसने डिनर पे बुलाया। यहाँ पे ही अपने ब्लॉग को एंड करेंगे, बिकॉज वीकेंड ज्यादा कुछ हुआ नहीं। वन मोर थिंग, थैंक यू फॉर 600 सब्सक्राइबर्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।